दिल्ली के बाद अब पंजाब ने भी कह दिया है कि उनके पास सिर्फ 24 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। पूरे देश में शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहां ऑक्सीजन की मांग ना बढ़ी हो। डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स की माने तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की मौत हो रही है। ऐसे संकट के बीच हमारे वैज्ञानिकों ने वो रास्ता तलाश लिया है जो गेम चेंजर साबित हो सकता है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने अप्रैल 2020 में लैब में इस दवा पर कई एक्सपेरिमेंट किए। इस प्रयोग में पता चला कि यह दवा कोरोना वायरस को रोकने में काफी मदद कर रही है। इसके आधार पर इसे अब मंजूरी मिली है। ऐसे में कोरोना महामारी के खिलाफ इस नई दवा से एक नई उम्मीद जग गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने कोरोना के इलाज के लिए एक दवा के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी है। इस दवा की खास बात यह है कि न सिर्फ मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता कम हो रही है बल्कि इलाज के दौरान मरीज तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। इसने 2-deoxy-D-glucose जिसको 2DG भी कहा जाता है उसका अभी ड्रग कंट्रोलर से परमिशन लिया है COVID-19 पेशेंट्स में इस्तेमाल के लिए। ये ड्रग हमने इस पर काम करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में और पहला हमने प्रयोग किया था CCMB हैदराबाद की मदद से, जिसमें ये साबित हुआ था कि ये ड्रग, ये मॉलिक्यूल SARS-CoV-2 वायरस को बहुत अच्छी तरह से गतिरोधक प्रदान करती है, इसकी गति रोक देती है और इसको आगे बढ़ने से रोकती है। फेज 2 के तहत दवा का इस्तेमाल 11 अस्पतालों में भर्ती 110 मरीजों पर किया गया। ये ट्रायल पिछले साल मई से अक्टूबर के बीच किया गया था। नतीजा ये निकला कि बाकी मरीजों के मुकाबले दवा लेने वाले मरीज ज्यादा ठीक हुए। इसी दवा पर दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के बीच देश भर के 27 अस्पतालों में फेज 3 के ट्रायल्स हुए। इस बार 220 मरीजों को दवा दी गई। नतीजा ये निकला कि 42% मरीजों की ऑक्सीजन की निर्भरता तीसरे दिन ही खत्म हो गई, लेकिन जिन्हें दवा नहीं दी गई उनमें से 31% मरीजों की ही ऑक्सीजन पर निर्भरता खत्म। दवा की खास बात यह है कि यह वायरस से संक्रमित कोशिकाओं की पहचान करती है। उसके रिजल्ट्स ये बताते हैं कि पेशेंट्स में जो ऑक्सीजन डिपेंडेंस है उसको भी कम करने में ये दवा काम कर रही है, स्टैंडर्ड केयर के अलावा भी। स्टैंडर्ड केयर के साथ इसका प्रयोग करने से भी इसका बहुत फायदा हो रहा है पेशेंट्स को एडिशनल। सो इसके बेस पर हम ये दवा आगे COVID-19 पेशेंट्स के लिए अब इमरजेंसी यूज का अप्रूवल हमें मिला है ड्रग कंट्रोलर से। ये नई दवा ऐसे वक्त में बहुत कारगर साबित हो सकती है जब देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। दावा किया जा रहा है कि इस दवा की वजह से मरीजों को ज्यादा दिन तक अस्पताल में रुकने की जरूरत नहीं होगी। इस दवा का इस्तेमाल बेहद आसान है। ये दवा पाउडर के रूप में आती है जिसे पानी में घोल कर लिया जाता है। इस दवा को DRDO के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस और हैदराबाद सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। इस दवा को अभी 2-deoxy-D-glucose यानी 2DG नाम दिया गया है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज को दी गई है। एक तरफ ऑक्सीजन की जरूरत कम करने वाली दवा सामने आ गई है, वहीं दूसरी तरफ ITBP के रेफरल अस्पताल में इटली के सहयोग से स्थापित ऑक्सीजन प्लांट चालू हो गया है। प्राकृतिक ऑक्सीजन से ही ऑक्सीजन उत्पादन और आपूर्ति करने में सक्षम इस संयंत्र से एक समय में 100 मरीजों को हाई स्पीड ऑक्सीजन मुहैया करवाई जा सकती है। ये प्लांट सिर्फ 48 घंटे में स्थापित किया गया है। ये 1000 लीटर पर मिनट के हिसाब से ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है वो ऑक्सीजन जनरेट करता है। ये आप समझ लीजिए कि अगर एवरेज अगर 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से एक पेशेंट को जरूरत पड़ेगी तो ये लगभग 100 पेशेंट्स को ये इसकी ऑक्सीजन की डिमांड को पूरी कर सकता है। इटली के सहयोग से ITBP ने जो इनका रेफरल हॉस्पिटल है इस तरीके का ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। ये प्लांट लगभग 100 बेड जो है यहाँ पर उनको ऑक्सीजन देगा और इस तरीके की जो समस्या यहाँ पर रेफरल हॉस्पिटल में थी उसको दूर करने का पूरा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। कोविड संक्रमण से पहले देश में तैयार होने वाली कुल ऑक्सीजन का महज 15% ही मेडिकल क्षेत्र में इस्तेमाल होता था। बाकी ऑक्सीजन का इस्तेमाल तेल शोधक संयंत्रों, लौह इस्पात उद्योग, कार फैक्ट्री और भट्टियों में किया जाता था। लेकिन अचानक दूसरी लहर में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से फैले और नतीजा ये हुआ कि ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई का पूरा संतुलन चौपट हो गया। सरकारों का सारा आकलन ताश के पत्ते की तरह ढेर हो गया।
हालांकि अच्छी बात यह है कि डीआरडीओ की इस दवा से मरीजों की ऑक्सीजन की जरूरत कम होगी। कोविड से लड़ाई में ये एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक।